नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएस न्यूज। मोदी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। जी हां, भारत की विदेश नीति देखकर पाकिस्तान भौचक्का रह गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो पाकिस्तान खूब उछल रहा था, सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान ही था। इस बात से वो थोड़ा कम ही खुश था कि अफगानिस्तान में शरिया कानून के हिसाब से अब काम होगा। वो इस बात से ज्यादा खुश था कि भारत ने जितना भी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया है वो सब कुछ डूब जाएगा, जो योजना परियोजना है सब बर्बाद हो जाएंगे। तालिबान के आने से भारत की योजना परियोजना सब अफगानिस्तान में धरी की धरी रह जाएंगी और अफगानिस्तान के रिश्ते भारत से खराब हो जाएंगे। लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद मामला कुछ उल्टा ही पड़ गया। भारत जो पाकिस्तान को पहले से ही समझा रहा था वही हुआ। भारत ने पहले ही बताया था कि किसी भी देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो कि भारत के पास है, कंगाल पाकिस्तान के पास नहीं। इसीलिए भले ही तालिबान की सत्ता आ जाए वो रहेंगे ही भारत के चरणों में। और अब वही हो रहा है, भारत ने तालिबान को गेहूं से लेकर दवाई तक सब कुछ दान में दिया, यहाँ तक कि वैक्सीन भी फ्री में दी, यानी कि खाने से लेकर उनके स्वास्थ्य व्यवस्था तक का इंतजाम भारत ने किया। कोविड में भारी मदद भारत ने की, कंगाल पाकिस्तान तो खुद ही परेशान था, रोटी रोटी के लिए मुहताज था और आज तो हालात और भी बद से बदतर हो गए। इसीलिए तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और हर रोज उसे जलील करता रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कायदे आजम को भी नहीं छोड़ा, जिन्ना को भी तालिबान ने खूब अपशब्द कहे। और अब तो मोदी सरकार तालिबान को विदेश नीति और कूटनीति की ट्रेनिंग देने जा रही है। तो अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि तालिबान अब पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। जी हाँ, भारत ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने का बड़ा फैसला लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेनिंग काबुल में भारतीय दूतावास के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से देंगे। इसमें अंग्रेजी की समझ रखने वाले तालिबान अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें विदेश नीति और कूटनीति की बारीकियों को समझाया जाएगा। वही तालिबान सरकार ने भी इस ट्रेनिंग को लेकर एक आदेश जारी किया है और इसमें तालिबान के अधिकारियों से ट्रेनिंग में शामिल होने की अपील की गई है। इसके साथ ही उन्हें ये भी बताया गया है कि ट्रेनिंग के बाद इन अधिकारियों को एक रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर अगस्त 2021 में कब्जा किया था, जिसके बाद से ही उसके और भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। भारत ने पहले तालिबान से दूरी बनाई और उसकी नीतियों का विरोध किया, लेकिन तालिबान भारत को अहमियत देता रहा और अफगानिस्तान में रह रहे अफगानियों की मदद के लिए भारत भी तालिबान सरकार की मदद करता रहा। लगातार भारत अफगानिस्तान में गेहूं भेज रहा है, जिसकी वजह से तालिबान भी ये समझ गया है कि अगर देश चलाना है तो भारत की मदद लेनी ही होगी। और भारत ने तालिबान से रिश्ते बेहतर बनाए हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद अहम है। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।